सभा की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान अध्यक्ष मेरे बहुत ही परम आदरणीय जिन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित कर इस उपाध्याय समाज जोगी समाज को आगे बढ़ाने का और नाम करने का कार्य किया हो, ऐसे मेरे बड़े भाई जिला बागपत के अध्यक्ष के रूप में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मेरे बड़े भाई श्रीमान नेपाल उपाध्याय जी, मेरे ऐसे जिनके में चरणों में रह करके इस उपाध्याय योगी समाज की सेवा करने का अवसर प्राप्त किया और कुछ सीख करके आपके बीच में आपके दर्शन करने आपके चरणों में आया हूँ, ऐसे मेरठ के रिटायर्ड लेक्चरर श्रीमान जगपाल सिंह आर्या जी हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जो बहुत पीछे बैठे हुए हैं उनको बहुत आगे बैठना चाहिए था, ये संचालक महोदय संचालन समिति को सोचना चाहिए। आज हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मीडिया में छाए जाने वाले मीडिया के प्रति बहुत आस्था व्यवस्था कई राष्ट्रीय पेपर के संपादक के रूप में कार्य कर रहे मेरे बहुत छोटे से छोटे भाई श्रीमान नरेश उपाध्याय जी को मैं आगे आकर के उनके दर्शन कराना चाहता हूँ। श्री नरेश जी आगे आ जाए, चाहूंगा अभिनंदन से माननीय हमारे नरेश जी का माल्यावर का स्वागत। नरेश जी बहुत बड़े पत्रकार आपके समाज में हैं, हमें ऐसी ऐसे लोगों पर गर्व है और गर्व करना चाहिए। ऐसे ही इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बहुत ही वरिष्ठ और जिनके मैं चरण स्पर्श करता हूँ ऐसे श्रीमान नरेंद्र कौर जी, कालीचरण जी जो उत्तर प्रदेश की पुलिस से सब इंस्पेक्टर से रिटायर हुए हैं, ऐसे मेरे इस भारत के इतिहास में जोगी उपाध्याय समाज का नाम स्थापित करने वाले इस इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों में आपका नाम लिखाने वाले उस परिवार के श्रीमान दिनेश उपाध्याय जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी मेरठ महानगर पिशावर मोर्चा के महामंत्री श्रीमान प्रवीण उपाध्याय जी और पिलखवा से चल करके आए मेरे बड़े भाई के रूप में श्रीमान रोशनलाल उपाध्याय जी, श्री सतीश जी, श्री रविंदर जी, रविंदर जी खड़े हैं उनके बैठे हैं उनके हाथ में फ्रैक्चर है लेकिन समाज के इतने प्रेमी हैं फिर भी ऐसी अवस्था में आपके बीच में आए हैं। श्रीमान नीतू भाई जी और यहाँ के श्री प्रशांत जी, श्री विजेंद्र योगी जी, श्री महेंद्र पत्रकार जी और हमारे बागपत जिला के मेरे भाई के रूप में मेरे बड़े भाई के रूप में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जिला बागपत के महामंत्री श्रीमान सतपाल जी और मंच पर बहुत लोग बैठे हुए हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। सम्मान के साथ में मंच पर उपस्थित सम्मान मंचासीन अधिकारीगण, और मैं बहुत भी गर्व के साथ कह सकता हूँ बहुत ही मधुर वाणी से आज की इस सभा का संचालन कर रहे इस गांव के निवासी श्रीमान विनोद उपाध्याय जी और इस कार्यक्रम में इस कार्य को आगे बढ़ाने वाले इस व्यवस्था को करने वाले श्रीमान प्रशांत कुमार उपाध्याय जी, श्रीमान कृष्ण पाल उपाध्याय जी, श्री राकेश उपाध्याय जी, श्री बाबूराम उपाध्याय जी, श्री विकास कुमार उपाध्याय जी, रवि उपाध्याय जी और सोनवीर उपाध्याय जी। सम्मानित साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी ऐसे सामाजिक बातें आपको कही हैं, शायद मेरे पास तो इतना खजाना नहीं है, ये मेरे साथी जो गा रहे हैं मेरी बहनें गा रही हैं मेरी बात सुनेंगे, जो मेरे भाई मेरे जा रहे हैं आज के सभा से सभा स्थल से वो थोड़ी देर बैठ जाएं, अभी आपको हमारे जिला बागपत के ओजस्वी बागपत के जिला का ओजस्वी भाषण सुनने को मिलेगा। सम्मानित साथियों, तो सम्मानित साथियों बहुत सी चीजें आपको
सोनू, मैं इन सब चीजों से अलग आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं सदा हर मंच से बात कहता भी आया और कहूंगा भी, कोई भी सभा हम करते हैं तो उसका कोई लक्ष्य होना चाहिए, कोई टारगेट निर्धारित होना चाहिए। मैं मानता हूँ पहला प्रयास है, पहले प्रयास में संख्या बहुत ज्यादा हो या कम हो इस बात की हमारा कोई लक्ष्य और टारगेट ना हो, हम राजनीति करते हैं और राजनीति करने में अगर किसी आदमी का कोई टारगेट लक्ष्य ना हो वो अपनी राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकता, उसको कोई कुछ नहीं मिल सकता जीवन के अंदर। इसलिए मैं हर जगह जाता हूँ और ये बात कहता भी हूँ। मैंने परसों वीरेंद्र जी के गांव में भी ये कहा है कि जब तक किसी सभा या बैठक का कोई लक्ष्य और टारगेट ना हो तो वो सभा निरर्थक होती है, उसका कोई मतलब नहीं होता, केवल हम अपना पैसा खर्च कर देते हैं, समय बर्बाद कर देते हैं और उसके सभा के होने के बाद कुछ उनका मतलब और कोई उसका लाभ नहीं हो पाता। तो साथियों आज हम यहाँ बहुत से लोग हैं हर जिले से, हमारे अंदर उपस्थित है लगभग पश्चिम उत्तर प्रदेश के हर जिले से दो दो चार चार लोग उपस्थित है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ साथियों, हम यहाँ एकत्रित है इसलिए आज कोई लक्ष्य अपना टारगेट निर्धारित करके जाएंगे। मेरे नौजवान साथी बैठे हुए हैं आज सारा कंधों में भार अगर है तो नौजवान साथियों पर है, अरे नौजवान साथी अपनी मजबूत कंधों को मजबूत कंधे लेकर के आगे बढ़े और कोई ना कोई टारगेट निश्चित करके राजनीति में आने का प्रयास करें। मैं साथियों भारतीय जनता पार्टी ने पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में जाने का अवसर प्राप्त होता है। जब मैं जिलों में जाता हूँ तो मुझे बहुत ही कमी थकती है, मैं बार बार ये सोचते रहता हूँ मैं सभा में आया हूँ, मुख्य अतिथि के रूप में जाता हूँ, मैं टटोलता रहता हूँ कि मेरे जोड़ी समाज वो समय समाज गिरी समाज को कोई व्यक्ति मिल जाए तो मैं उसको बार बार देखता रहता हूँ, मुझे नहीं मिलती। अब मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपने समाज के कभी कभी 25 या 30 लोगों को पदाधिकारी बनाया जिनको कोई पूछता नहीं था, वो कहते थे कि भाई साहब हमें तो कोई सदस्य भी बनाने के लिए तैयार नहीं था। मैं कहा नहीं, मैं आपको पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी का बनाऊंगा। मैंने पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर 25-30 पदाधिकारी अपने बनाए हैं और आज वो गौरव महसूस करते हैं। सम्मानित साथियों मेरे बागपत के मेरे बड़े भाई जिला अध्यक्ष ने, चूंकि महामंत्री ऑलरेडी वहां बना हुआ था और ऐसे महामंत्री को हटा करके अपने समाज के व्यक्ति को महामंत्री बनाना अपने में बहुत बड़ी मिसाल है, ये छोटा काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करना और किसी को पदाधिकारी बनाना ये बहुत आसान काम नहीं है, ऊपर से नीचे तक किसी को पदाधिकारी बनाने के लिए लाइन भी करना पड़ता है, ऊपर पूछना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, इसके अलावा किसी को पदाधिकारी नहीं बनाया जा सकता। तो सम्मानित साथियों आज भारतीय जनता पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं देखता हूँ मेरा यहाँ पर किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो एक सामाजिक कार्य है, पर चूंकि सामाजिक कार्य में सामाजिक चेतना पैदा करना भी हमारा देश पार्टी का बहुत बड़ा लक्ष्य है और हमको करना भी चाहिए। सम्मानित साथियों आज जब मैं देखता हूँ दूसरे समाजों को तो बहुत छोटे छोटे समाज जिनकी गिनती बहुत थोड़ी सी है वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हमारा समाज पीछे इसलिए है कि हमारे नौजवान साथी अपने कंधे पर भार वहन नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए हम पीछे हैं। किसी भी पार्टी में रहो कहीं रहो लेकिन जो पार्टी का एजेंडा है पार्टी का काम है उसको मजबूती के साथ करो। जो पार्टी आपको काम देती है अगर वो काम 1 किलोमीटर करने का देती है तो आप इतनी बड़ी लाइन खींचो उस लाइन को कोई पार ना कर सकते। आज वेदपाल जी ने तो लाइन खींच करके इतनी बड़ी लाइन खींची है, उस लाइन को खींच करके जिला अध्यक्ष बनना और आपके छोटे से बालक को जो आपके चरणों की धूल आपके माथे में लगाना चाहता हूँ, आपके छोटे से इस बच्चे को पश्चिम उत्तर प्रदेश के 19 जिलों की कमान भारतीय जनता पार्टी ने सौंपी है, ये छोटी मोटी बात नहीं, आपके लिए गौरव की बात है, आपकी कमान आपको कमान दी गई। तो सम्मानित साथियों मैं नौजवान साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ और आज का टारगेट फिक्स करना चाहता हूँ कि आज सारे नौजवान साथी जितने भी यहाँ पर आए हैं या और हमारी बात सुनेंगे या सुनने वाले हैं उनको राजनीति में आना चाहिए, जब तक राजनीति में आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आपका समाज आगे बढ़ नहीं सकता। दूसरी बात संगठन की है, देखिए हमारे समाज में एक बड़ी कुरीति है, कुरीति क्या है,
अरे वेदपाल जी तो जिला तक खड़ी, अरे इसकी टांग खींचो करी, अरे ये क्षेत्र में महामंत्री न बन जाए, प्रदेश में महामंत्री न बन जाए, इसको खींचो खींचो पीछे। मैं एक बात बताना चाहता हूं ऐसे लोग इस मंच के माध्यम से कि मैंने तो अपना टारगेट आगे देखने का बना रखा, सीधा देखता हूँ पीछे देखता हूँ, बाएं ना बाएं मैं सीधा देखता हूँ। और जो वेदपाल जी भी ऐसा देखते हैं, सीधा देखते हैं, नहीं कि दिखाई दे रही है मुझे इसके अलावा कुछ भी दिखाई दे रहा है। इसलिए वो लोग सुनने काम से दुकान खोल करके जीवन के अंदर इतनी बड़ी लाइन खींचेंगे, इतनी बड़ी लाइन खींचेंगे अपने काम में और खींच करके दिखा दिए वेदपाल जी जानते पश्चिम उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता को। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आपका भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश की बागडोर हमारे हाथों में है। एक लाख श्री मंसरी ने एक लाख में पश्चिम उत्तर प्रदेश को दिया है और अभी तो स्वच्छता अभियान चला था, मैंने पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर एक लाख 10 से भारतीय जनता पार्टी के बना के दिए हैं, जो उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी क्षेत्र में बनाकर नहीं दिए। ये तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे नौजवान साथी आगे बढ़े और राजनीति में जहां भी हो मैं इतनी बड़ी लाइन खींच दे। आपके समाज की तो बात छोड़ दो, कोई भी समाज किसी भी समाज का कोई व्यक्ति हो उस लाइन को पार जाकर से नहीं चाहता मेरा मन। कितनी देर तुम नौजवान साहब को आपके चरणों में रहकर के आपके चरणों की धूल को माथे पर लगाने आया हूँ और करना अपनी धरती पर भगवान की कृपा हुई तो भूख दूसरा होगा, भगवान जी की यदि कृपा हो गई तो आऊंगा दोबारा आऊंगा। मैं संचालन मंडली से कहना चाहता हूँ बुलाना दोबारा सम्मेलन बुलाना, मगर मेरा रूप दूसरा होगा भगवान जी के पास और मैं इनके कंडो ब्रेंड। इन बच्चों ने मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरी या वेदपाल जी की कहने वाला कोई भी नहीं है ऊपर कोई भी। मैं जब देखता हूँ अपनी बात करने के लिए कि मैं मुझको मैंने क्या टारगेट फिक्स किया उसके बारे में कह लूँ तो मैं चार तो मिनट दौड़ाता हूँ तो मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं देता कि मेरी जो बात ऊपर जाकर कह सके। यही हालत वेदपाल जी की है, ये तो भगवान के हाथ से बिल्ली का छींका टूटा और माननीय वेदपाल जी जिला अध्यक्ष बने का महान। लेकिन जिस दिन आप एक हो जाओगे ना, संगठित हो जाओगे, ये नौजवान साथी जो बैठे हैं, जिस दिन नौजवान साथी ये जोगी समाज गोस्वामी समाज गिरी समाज का झंडा लेकर जब सड़कों पर निकलेंगे एक सैलाब आ जाएगा, राजनीति में आपका वो दर्जा होगा, राजनीति में आपका स्थान प्राप्त हो जाएगा। सम्मानित साथियों 12 तारीख को मैनपुरी में जिला मैनपुरी एटा मैनपुरी में हमारे समाज के लोगों ने मुझे बुलाया है, मैं 12 तारीख में मैनपुरी जा रहा हूँ, कई साथी मेरे साथ भी जा रहे हैं, 4-6 गाड़ी मेरे साथ जा रही है और वो बहुत बड़ा वो सम्मान की उन्होंने तैयारी कर रखी, बार बार उनका फोन आ रहा है बहुत जल्दी आओ दर्शन करना चाहते हैं। हमारा समाज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं गोस्वामी लिखता है, कहीं गिरी लिखता है, कहीं पूरी लिखता है, कहीं पर्वत लिखता है। ऐसी आगरा के लोगों ने मुझे बोला 15 दिन बाद में आगरा में जाऊंगा इसके 2 12 के बाद में, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम इस पश्चिम उत्तर प्रदेश के पूरे प्रदेश का संगठन आपके हाथों में बना के देंगे। नौजवान साथियों हम तो आज हैं कल रहे ना रहे, लेकिन आप इस संगठन को उत्तर प्रदेश का संगठन बनाकर मैं आपके दूंगा, इसको संभाल कर रख लेना। वो स्वामी पर्वत गिरी सब हमारे हैं जो भी समाज से हैं और वजह उत्साही से आपके महामंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश हम देखने के लिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपने संचालन मंडल का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया इसके लिए मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ और बाद में आपके चरणों की धूल को माथे में लगाते चरणों से विदा होऊंगा और फिर दोबारा आऊंगा भगवान जी के पास हुई तो नारा लगाएंगे भगवान गोरखनाथ की, भगवान गोरखनाथ की, भारत माता की। मैं दोस्त बोलेंगे ऐसे नहीं,